नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे भाग्य खोज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं 16 सितंबर 2020 यानी आज का तीन राशियों का राशिफल कैसा रहने वाला है, मेष, कन्या और मकर। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे भाग्य खोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 16 सितंबर 2020 यानी आज का मेष राशि के जातक और जातिकाओं का कैसा रहने वाला है राशि फल। अपने वजन पर नज़र रखें और ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचें। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं, वो अपने धन को आज बहुत संभाल कर रखें, धन चोरी होने की पूरी संभावना है। आप सभी पारिवारिक कर्जे खत्म करने में कामयाब रहेंगे। आज आप खुद को अपने प्रिय के प्यार से सराबोर महसूस करेंगे, इस लिहाज से आज का दिन बहुत खूबसूरत रहेगा। जो काम आपने किया है उसका शेर ये किसी और को ना ले जाने दें। देर शाम तक आपको कहीं दूर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कई लोग साथ तो रहते हैं लेकिन उनके जीवन में रोमांस नहीं होता, लेकिन यह दिन आपके लिए बेहद रोमानी होने वाला है। भाग्य अंक आज का 7 रहेगा। उपाय करना है कि जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आज किसी लंगड़े या पाज व्यक्ति की मदद करके आप ईश्वरीय अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। यदि आज हम कन्या राशि के जातक और जातिकाओं के राशि फल के बारे में बात करें, तो अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आज आपके लिए घातक हो सकता है। जितना हो सके इन चीज़ों में निवेश करने से बचें। अगर आप अपने घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। प्रेमी एक दूसरे की पारिवारिक भावनाओं को समझेंगे। आपके लिए आज बहुत सक्रिय लोगों से मेल जोल भरा दिन रहेगा। लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे और जो भी आप कहेंगे उसे बिना सोचे मान लेंगे। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ ना खुश हैं तो आज के दिन आप हालात बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। भाग्य अंक आज का 5 रहेगा। उपाय करना है कि शुक्रवार को श्री सूतक का पाठ करना प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। यदि आज हम मकर राशि के जातक और जातिकाओं के राशि फल के बारे में बात करें, तो अपना तनाव दूर करने के लिए परिवार वालों की मदद लें, उनकी सहायता को खुले दिल से स्वीकारें, अपनी भावनाओं को दबाएं और छुपाएं नहीं। अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने किसी से उधार लिया है उन्हें आज किसी भी हालत में उधार चुकाना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी। अपने दोस्तों को अपने उदार स्वभाव का गलत फायदा ना उठाने दें। रोमानी यादें आज आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुसेला बना सकता है। ऐसे बदलाव लाएं जो आपके रूप रंग में निखार ला सकें और संभावित साथियों को आपकी ओर आकर्षित कर सकें। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद पे खुद दिख जाएगी। भाग्य अंक आज का 6 रहेगा। उपाय करना है कि कांसे की थाली का प्रयोग खाने के लिए करना प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ये था 16 सितंबर यानी आज का तीन राशियों का राशिफल, मेष, कन्या और मकर। दोस्तों, यदि आपको मेरा बताया हुआ राशिफल सत्य लगे, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है या आप अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इसकी उचित फीस भी जमा करनी पड़ती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आप सभी को करता हूँ नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।